गृह मंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। जनता के साथ लड़ पाएंगे। मैं गुजरात से आता हूँ, गुजरात आता जाता रहता हूँ, जो मिलने आते हैं वो कॉलोन करने आते हैं उनको भी पकड़ता हूँ ड्रग के लिए। तो मैंने गुजरात ने कुछ केसेस बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किए। मानो एक फैक्ट्री पकड़ी है तो वहां से कहां तक जाना था ड्रग वो पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया है, और कोई खुदरा सामान पकड़ा है तो वहां से मणिपुर की बॉर्डर तक का इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा आग्रह है राज्यों के सभी डीजी और चीफ सेक्रेटरी से कि हर इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटरिंग अथॉरिटी एक केस का इन्वेस्टिगेशन समझकर संतुष्ट न हो और ये इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन बनाए, पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का इन्वेस्टिगेशन बनाए। सिंथेटिक ड्रग की समस्या अब देश के बाहर की धरती से हमारी धरती पर आ गई है। अवैध लैब्स ढेर सारे पकड़े गए हैं। मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन और प्रतिरोध करने वाली सभी एजेंसियां एनसीबी से ये जो लैब पकड़े गए हैं इसकी डिटेल लें और अपने अपने राज्य में इस तरह की गतिविधियों को पकड़ने का काम करें। और एनसीबी ने जो अन्य देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ हिस्सेदारी कर जो इंफॉर्मेशन प्राप्त किया है उसको भी आप लें। अभी प्रेजेंटेशन में बताया गया कि मैरिटाइम रूट्स पर ड्रग का ट्रैफिकिंग पकड़ा गया है, बड़े बड़े केस पकड़े गए हैं। मुझे एक बहुत सीनियर अधिकारी मिले थे, उन्होंने बहुत सामान्य तरीके से, मैं मतलब ऐसी कल्पना ही नहीं कर सकता, इस तरह से कहा कि साहब ये ड्रग तो मालदीव जाना था, ड्रग तो लंका जाना था। भारत ने जुनून पैदा करना चाहिए कि हम भारत में एक ग्राम ड्रग आने भी नहीं देंगे और भारत से एक ग्राम ड्रग दुनिया में जाने भी नहीं देंगे। ड्रग कहीं पर भी जाता है, भारत में उसको गंभीरता से लेना चाहिए और हमारा अप्रोच बहुत गंभीर होना चाहिए। हम इसको मुंह मोड़कर नहीं देख सकते जब तक पूरी दुनिया नहीं लड़ती है। हम दुनिया का हिस्सा है, हम नहीं बच सकते। जब तक ये लड़ाई सभी एजेंसियां और सभी राज्य मिलकर नहीं लड़ते हम नहीं जीत सकते। हमने ये लड़ाई को साझा लड़ना चाहिए, साझे तरीके से लड़ना चाहिए और हमारी दरियाई सीमा में तो कोई सवाल ही नहीं है, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। हाईसिस में भी जहां हमारा भूमि लगता है वहां से हाईसिस में भी जाने वाले हर कंसाइनमेंट को पकड़ना चाहिए। एनकोड के क्रियान्वयन में मैंने 2014 दिसंबर से बहुत भार दिया है। आंकड़े बड़े उत्साहजनक है और मेरा शुरू से आग्रह था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंगों पर जब तक काम नहीं करेंगे ये लड़ाई हम सफलता से नहीं लड़ पाएंगे। शीर्ष स्तरीय एनकोड समिति, कार्यकारी स्तरीय एनकोड समिति, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सभी के आंकड़े बहुत संतोषजनक है। मेरा आप सभी से अपील है कि ये डिस्कशन का फोरम न बने, ये निर्णय का और रिव्यू का भी फोरम बने। जिला की कमेटी बैठते हैं, ऊपर से दबाव है मुख्य सचिव साहब का, इसलिए कलेक्टर साहब मीटिंग करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। जिले ने अपने लक्ष्य तय करने पड़ेंगे और अपने लक्ष्यों का रिव्यू करना कि मेरे यहां से कितने युवा रिहैब सेंटर पर हमने भेजे, मेरे यहां से आर्थिक अपराध के साथ ड्रग का कनाइवेंस कितना केस हमने ढूंढा, कितने केस हमने टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन के लिए ऊपर की एजेंसी को दे दिए। मैं समझ सकता हूं आपके जिले के सीमाओं का आपके पास थोड़ा लिमिटेशन होगा, मगर राज्य को दीजिए, राज्य एनसीबी को दे सकता है, अन्य राज्य की ड्रग विरोधी संस्थान। तो नशे के खिलाफ क्या कुछ अभियान चलाए जा रहे हैं, नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की गई है, उसको लेकर जानकारी दे रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वापस लौटते हैं एमपी, खबरों का रुख करते हैं। नरसिंह घोटाले को लेकर कांग्रेस के नेता आज बड़ी संख्या में थाने पहुंचे थे। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि नियमों को ताक पर रखकर किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब थाने में किसी के जन्मदिन के लिए सुंदर कांड का पाठ हो रहा है तो ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जन्मदिन भी अपने थाने में ही मनाया जाना चाहिए था। इस मुद्दे को लेकर कल कमिश्नर से भी दिग्विजय सिंह मुलाकात करेंगे।
देखिए साहब, वो पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया है, पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया है। फिर हमने पूछा भाई क्या, फिर उन्होंने बोला कि साहब एक नरेश यादव का जन्मदिन था, उस जन्मदिन मनाने के लिए यहां हम लोगों ने पुलिस की तरफ से सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया है। ये तो और भी गंभीर बात है। अगर ये बात है कि आप किसी भी नागरिक का जन्मदिन थाने के प्रांगण में मनाना चाहते हैं तो भाई हमारे कार्यकर्ताओं का जन्मदिन भी होता है। जबलपुर में बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम का शुद्धिकरण किया। पार्षदों ने नर्मदा नदी और लोगों के घर से इकट्ठा किए गए जल का नगर निगम में छिड़काव किया। इन लोगों का कहना था, दिग्विजय सिंह के नगर निगम में आने से निगम अशुद्ध हो गया है। दिग्विजय सिंह ने जबलपुर में नगर निगम में कांग्रेस के MLC से मुलाकात की, यहां वो धरना दे रखे थे। अब बात देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में